समाचार पत्र की आत्मकथा इस पाठ में हमने आशय जान लिया, संकलित है तो यहाँ पर लेखक परिचय का आवश्यकता नहीं है, संग्रहित है। तो हमने आशय देखा कि उसका पेपर पढ़ने का लाभ क्या होता है और महत्व क्या है। अब हम समाचार पत्र की आत्मकथा इस पाठ के कठिन शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे। शब्दार्थ जान लेंगे तो आपको पाठ समझने में आसानी होगी। हिस्सा यानी भाग, हिस्सा यानी एक भाग, एक पार्ट। जैसे हम एक रोटी लेते हैं, उसको चार टुकड़े करते हैं तो ये एक भाग हो गया ना, ऐसा पार्ट उसका एक भाग, हिस्सा। पांक्षिक, पांक्षिक का मतलब होता है बच्चों 15 दिन में एक बार छपने वाला। तो यहाँ पर पांक्षिक यानी 15 दिन को एक बार आने वाले एक पेपर को क्या कहते हैं, पांक्षिक। पांक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में एक बार छपने वाला पेपर। कोई पेपर रोजाना छपते हैं, कोई पेपर 15 दिन को छपते हैं, कोई पेपर का मैगजीन बोलकर आते ना 3 महीने को भी एक बार छपते हैं। जैसे कि हम पहले रोजाना बोलते, दैनिक यानी रोजाना, साप्ताहिक यानी वीकली, 7 दिन को एक बार। साप्ताहिक किसे कहते हैं, 7 दिन को एक बार छपने वाला। पांक्षिक का मतलब होता है 15 दिन को एक बार छपने वाला। अब 15 दिन होने के बाद मासिक बोलकर आता है, प्रति महीने में 30 दिन, 30 दिन को एक महीना कहा जाता है, 30 दिन को एक महीना कहा जाता है, उसे मासिक कहा जाता है। उसके बाद त्रैमासिक बोलकर आता है, 3 महीने का एक बार यानी 90 दिन, 3 महीने यानी 90 दिन को एक बार आता है। उसके बाद अर्धवार्षिक यानी 6 महीने, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम रहते ना अर्धवार्षिक बोलकर। और वार्षिक का मतलब होता है ईयरली, वार्षिक का मतलब ईयरली। तो ये आपको जानने में आना चाहिए कि सप्ताह किसे कहते हैं, साप्ताहिक किसे कहते हैं, पांक्षिक किसे कहते हैं, मासिक किसे कहते हैं, त्रैमासिक किसे कहते हैं, अर्धवार्षिक किसे कहते हैं और वार्षिक किसे कहते हैं। 12 महीने को वार्षिक कहा जाता है, नहीं पूरा एक साल में वार्षिक कहा जाता है। तो समझ में आया बच्चा। मितव्य, मितव्य यानी कम खर्च वाला, कम बजट वाला। मितव्य यानी कम बजट में काम में आने वाला, मितव्य कम खर्च वाला, कम बजट वाला। आविष्कार, आविष्कार का मतलब खोज, रिसर्च बोलते ना, किसी विषय पर हम रिसर्च कर रहे होते, खोज रहती है, उसे रिसर्च या खोज कहा जाता है। विश्व, संसार, जगत, दुनिया, जो भी आप कह सकते हो उसमें, विश्व का मतलब संसार, जगत, दुनिया इत्यादि। संदेशवाहक, संदेशवाहक यानी समाचार पहुंचाने वाला। अब समाचार पहुंचाने वाला ने मतलब यहाँ पर संदेशवाहक व्यक्ति भी हो सकता है या पक्षी भी हो सकता है। कबूतर को पहले संदेशवाहक के रूप में भेजा जा सकता। अब हमारे पास कोई संदेश आता है तो अब फिलहाल मोबाइल से हमको सब मिल रहा है संदेश, लेकिन पहले चिट्ठी द्वारा, पोस्टमैन, डाक के द्वारा, डाकिया क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह संदेश देने का काम करता था, उसे संदेशवाहक कहा जाता है। यानी संदेश पहुंचाने वाला या संदेश देने वाला संदेशवाहक कहा जाता है। कतरने, कतरने ने समझो आप एक पेपर है, पेपर में अगर कोई अच्छा सा स्टोरी आया है या अच्छा सा कोई निबंध आया है या किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छी सी तस्वीर आई है तो उसे हम कट कर कर रखते हैं, कतरन बोलते हैं उसको, कतरने बोलकर कट कर कर एक साथ जमा करते हैं तो उसे कटिंग्स कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, कटिंग्स कहा जाता है। रिश्ते यानी संबंध, रिलेशन, रिश्ते यानी संबंध, रिलेशन होते हैं। तो इस प्रकार से समाचार पत्र की आत्मकथा जो संकलित है उस पाठ के इतने शब्दार्थ है, आप अच्छे तरह से देख ले। शब्दार्थ बच्चों आपको कौन से पेज पर है, शब्दार्थ 44 पेज नंबर पर है, पेज नंबर 44 पर है। अब आप सभी पेज नंबर 40 पर आइए जहां आपको ये पाठ प्रारंभ किया जा रहा है। सभी अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालिए, फिर हम यहाँ पर पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जहां पर पाठ में सबसे पहले हम पाठ को पढ़ना जान लेंगे तो आपको वहां पर शब्दार्थ किस तरह से पढ़ना है क्या नहीं सब आपको समझ में आएगा। तो आप भी अपने अपने टेक्स्ट बुक निकाल कर देखने का काम कीजिए। यहाँ पर तो पेज नंबर 40 पर दिया है, हमने आशय तो देख लिया है, अब हम यहाँ पर पाठ को पढ़ने वाचन करने जा रहे हैं। देख लो, रोज सवेरे घर में आऊं, एक कोड दिया है, पहेली बोलते ना उस टाइप पहेली दिया है, कौन है मुझे पहचानो बोलकर यहाँ पर एक पहेली के जरिए से अपना परिचय दे रहा है। कौन, समाचार पत्र अपनी आत्मकथा में अपना परिचय किस प्रकार से दे रहा है। यहाँ पर देखो बच्चों, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश के खबरें सुनाऊं,
जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं? फिर से एक बार बोल रहे हैं हम पर, रोज सवेरे घर में आओ। कौन आता है रोज सवेरे? सवेरे 6 बजे 7 बजे सवेरे सवेरे घर को आकर आपको न्यूज़पेपर पहुंचाने का काम करते हैं। रोज सवेरे बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, सभी मौसम में आपके घर के दरवाजे तक न्यूज़पेपर आने का काम करता है। तो पढ़ने का काम किसे करना चाहिए? हमें। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश के खबरें सुनाऊं। रोज सवेरे घर में आता है, रोज रोज रोज, संडे नहीं, उसे छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, रोज सवेरे हमारे घर के दरवाजे तक आता है और देश विदेश की खबरें, देश यानी भारत देश के खबरें, विदेश यानी दूसरे देशों के खबरें, पूरे दुनिया के विश्व के खबरें सुनाऊं। खबरें यानी न्यूज, संदेश सुनाऊं। जमीन आसमान की बातें, जमीन और आसमान की बातें, यानी जमीन पर क्या हो रहा है, आसमान पर क्या हो रहा है, ये सब समाचार बताऊं। जानते हो मैं कौन हूं? तो आपको समझ में आया कौन है? मैंने टाइटल में लिखा है समाचार पत्र की आत्मकथा। मैं हूं समाचार पत्र। कौन हूं? समाचार पत्र हूं। बोलकर यहां पर समाचार पत्र अपना परिचय एक पहले के रूप में दे रहा है, जहां पर यहां पर सब भाषाओं के पेपर के चित्रण दिए गए। यहां पर चित्र देख लो बच्चों, अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो मालूम होगा, आप 15 एक ही पेपर पढ़ते हैं तो यहां पर बहुत से नमने भाषा के पेपर है, जैसे कन्नड़ में टाइम्स ऑफ इंडिया है, डेक्कन हेराल्ड है, इंग्लिश पेपर है, उसके बाद आंध्र ज्योति, ये तेलुगु पेपर है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये सब हिंदी के पेपर है, उसके बाद प्रजावाणी, विजय कर्नाटक, उदयवाणी, कन्नड़ प्रभा, संयुक्त कर्नाटक, ऐसे बहुत से कन्नड़ा पेपर भी है। सभी भाषाओं में, मराठी में जाइए आप, पुण्य नगरी, लोकमत, ऐसे बहुत से पेपर आपको मिल जाते हैं जो समाचार देने का काम करते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाने का काम समाचार पत्र करते हैं। वो अपना परिचय इस प्रकार से दे रहा है। आगे देखो, पेज नंबर 41 पर आओ बच्चों। याद आया आपको? क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब पहले पढ़ने के बाद याद आया कौन हूं मैं? पहले तो पढ़ लिए, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश के खबरें सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं, बल्कि क्वेश्चन पूछ रहे और एक बार पूछ रहे, याद आया मैं कौन हूं? तो कौन है? मैं ही समाचार पत्र हूं। मैं ही समाचार पत्र हूं। सुबह होने होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं। सुबह सूरज की किरणें उगने से पहले ही हर घर में दिखाई देते हैं। सूरज जब उगता है तो उसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी सभी के घर पर पहुंच जाते हैं। सबके घर के गेट दरवाजे पर पेपर मिल जाते हैं रोज सवेरे। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ क्यों, बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते पहले हो न्यूज़पेपर लेते, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, कौन सी भाषा का क्यों नहीं होता, उनको दुनिया के विश्व के खबरों को, देश के खबरों को पढ़े बिना उनकी नींद पूरी नहीं होती, यानी सुबह ही नहीं होती उनकी। उठते उन्हें अखबार चाहिए, लेकिन आज जमाना बदल गया है, उठते ही हमें मोबाइल चाहिए, उठते ही हमें मोबाइल चाहिए, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। पहले पेपर का महत्व आज भी कम नहीं हुआ, आज भी पेपर का महत्व है, लेकिन आज की पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा मोबाइल को यूज कर रही है। तो बोल रहा है अपनी आत्मकथा में, बोल रहे समाचार पत्र अपनी आत्मकथा में बोल रहा है, मुझे पढ़े बिना, मुझे देखे बिना बहुत से लोगों की सुबह ही नहीं होती। हम सुबह कब होते हैं? हम उठते ही आंग नहाकर, स्नान कर, पूजा कर, टिफिन चाय लेते तो हम समझते कि सुबह हो गई, लेकिन कुछ लोगों की सुबह कब होती है? जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देश विदेश, समाज, देश, राज्य, जिले के सब खबर पढ़ने के बाद उनकी सुबह होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती है, बोलकर बोल रहे हैं। मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूं। कुछ लोग यहाँ पर चित्र में दिया, देखो बच्चों, माता है, पिता है, पुत्र है, तीनों भी वहां पर टेबल पर चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहे हैं। चाय को पीते पीते, कॉफी को पीते पीते, या किसी को समय का अभाव रहता है, ऑफिस जाना होता है, दफ्तर जाना होता है, तो उनको समय का अभाव रहता है, दिन भर पेपर पढ़ना नहीं होता, तो नाश्ता करते करते चाय पीते पीते एक साइड हाथ में पेपर लेकर पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर चित्र में दिया, देखो बच्चों, माता पिता चाय पी रहे, बच्चा पेपर पढ़ रहा है। तो ऐसे
हम मुझे सुबह नहीं होती, मुझे पढ़े बगैर सुबह नहीं होती कुछ लोगों की, और कुछ लोग होते समय का अभाव कम रहने से वो क्या करते हैं, सुबह चाय पीते पीते वो अखबार पढ़ने लगते हैं। मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय काफी पीते हैं, चाय पीते या काफी पीते पीते कुछ लोग यहाँ पर अखबार पढ़ने का काम करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का काम करते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं हर एक व्यक्ति के जीवन का, जो मुझे पढ़ता है, मुझे सुनता है, मुझे देखता है, हर एक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हूँ। पार्ट का मतलब, हिस्सा का मतलब भाग बन गया हूँ। जो मुझे पढ़ते हैं, मुझे घर लाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग, हिस्सा, भाग कौन बन चुका है? समाचार पत्र आज एक जीवन का, मनुष्य के जीवन का एक भाग बन गया है, एक हिस्सा बन गया है। बोलकर यहाँ पर समाचार पत्र अपनी आत्मकथा में खुद कह रहा है, मैं मनुष्य को उसको उसके मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूं। मैं अमीर गरीब सबका, सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूं। मैं समाचार पत्र बोल रहा है, मैं मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया हूं, और मैं मनुष्य को बैठे घर बैठे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सुबह 8 बजे 7 बजे आपके घर को पेपर आया तो आप सब पेपर पढ़ सकते हैं, यानी आपके शहर में क्या हो रहा है, जिले में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, घर बैठे आप विश्व की खबर पढ़ सकते हैं। घर बैठे बैठे ही आपको ये पढ़ने का मौका कौन देता है? समाचार पत्र, चाहे वो कौन से भी भाषा में क्यों नहीं हो, आपको घर बैठे ही आपको दुनिया के, देश के हालचाल के बारे में, देश के कुशल मंगल के बारे में आपको समाचार पत्र घर बैठे बैठे जानकारी देता है। इसके अलावा क्या कह रहा है देखो, घर बैठे बैठे देश विश्व की जानकारी समाचार द्वारा देता हूं, मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन। अब हमें एक न्यूज पढ़ना है, समझो कल क्रिकेट मैच क्या होगा बोलकर हमें सुनना है या उसका रिजल्ट देखना है, तो उतना देखने के लिए हम 20-25 हजार रुपए डालकर टीवी लाकर देख सकते हैं, उतना खर्च नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 5-6 रुपए में मिलने वाले पेपर पर खर्च कर पूरे क्रिकेट के साथ साथ देश विदेश और समाज के हर एक खबर को हम पढ़ सकते हैं। तो मैं गरीब और अमीर के लिए, अमीर व्यक्तियों के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए क्या हूं? एक सुलभ, सुलभ यानी आसानी से मिलने वाला, चाहे वो घर तक आकर क्यों नहीं देता, जाकर आप बाजार में जाकर क्यों नहीं खरीदते, सुलभ तरीके से, आसानी के, आसान तरीके से मिलने वाला एक अखबार पत्र हूं, समाचार पत्र हूं, और मैं गरीब और अमीर दोनों के लिए सस्ता हूं, दोनों के लिए एक सुलभ साधन हूं, सुलभ साधन हूं यानी आसानी से मिलने वाला न्यूज़पेपर हूं। गरीबों को भी देता हूं, मिलता हूं, अमीरों को भी मिलता हूं, दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखता, दोनों को भी मैं सुलभ साधन के रूप में, सुलभ साधन के रूप में मैं इन्हें मिलता हूं। बोलकर यहां पर समाचार पत्र अपने आत्मकथा में परिचय देते हुए कह रहा है आगे, और हम आगे देखते हैं क्या है। तो समाचार पत्र अपने आत्मकथा में अपना परिचय बता रहा है कि मैं कौन हूं, समाचार पत्र हूं जो सुबह सुबह आपके घर में आता हूं, देश विदेश की खबरें आपसे को सुनाता हूं, लोग मुझे पढ़े बगैर, समाचार पत्र पढ़े बगैर उनकी सुबह ही नहीं होती, और मैं लोग मुझे चाय पीते पीते कॉफी पीते पीते पढ़ते हैं, और मैं मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका हूं, मैं गरीब और अमीर के लिए एक सस्ता सुलभ साधन हूं, बोलकर समाचार पत्र कह रहा है। आगे देखो बच्चों, प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। प्राचीन काल यानी बहुत पुराने समय की बात, प्राचीन यानी जैसे हम भारत के इतिहास को एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोलकर भाग करते ना, जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन काल भारत में या पूरे विश्व में समाचार कैसे पहुंचाए जाते थे, तब समाचार पत्र नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, पोस्टमैन नहीं थे, बहुत से सुविधा नहीं थे, तो तब समाचार संदेश एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जा सकता था, जैसे यहां पर मैं हूं, दूसरी जगह पर और एक व्यक्ति है, उन्हें संदेशा कैसे पहुंचाया जा सकता था, कैसे यहां पर दिया देखो।
प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतर द्वारा संदेश भेजा करते थे। किससे? प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग कहां से? कबूतर द्वारा। कबूतर क्या है? पक्षी का नाम है। कबूतर देखा होगा आपने, कबूतर जो संदेश ले जाने का काम करते थे। कबूतर के गले में या उसके पैर में ऐसा संदेश बांध कर उसको रख कर उसे ट्रेनिंग दिया जाता था, उसे तरबेती दिया जाता था कि उसको कहां से कहां ले जाकर देना है। जैसे यहां पर हम हैं तो ये संदेश वाहक दूसरे गांव में जहां उसके साथी रहते हैं उनको अगर भेजने का रहा तो उस कबूतर के पैर में गले में संदेश को लिख कर बांध कर उसे भेजा जाता था। वो कबूतर उड़ते 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 जाकर उस व्यक्ति के पास पहुंच कर यहाँ का संदेश, इस राजा का संदेश उस राजा को, और उसी राजा का संदेश उसी कबूतर के द्वारा इस राजा को संदेश भेजा करते थे। तो कबूतर संदेश वाहक का काम करता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। कब का समय? वो प्राचीन काल में। कब? बहुत पुराने, हजारों साल पहले की बात है, जब सुविधा नहीं थी तब इस प्रकार से संदेश को देना और लेना किया जाता था। कहां पर? प्राचीन काल में राजा महाराजा। प्रश्न में है, एक अंक के लिए प्रश्न आता है, प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? उत्तर क्या लिखने आना चाहिए? प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेशों को कबूतर द्वारा भेजा करते थे, ऐसा उत्तर आना चाहिए। आगे देखो बच्चों, संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। इतना ही नहीं, कबूतर के द्वारा संदेश भेजा जाता था, उतना ही नहीं किसी व्यक्ति को भी भेजा जा सकता था। कबूतर को भी भेजा जा सकता था, कबूतर नहीं तो किसी व्यक्ति को भी संदेश वाहक बनाकर, जैसे पोस्टमैन आकर हमें लेटर देकर जाते ना, वैसे संदेश वाहक नामक नाम से व्यक्तियों को भी भेजा जा सकता था। वो घोड़े पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर इस राजा का संदेश उसे और उस राजा का संदेश वापस इस राजा को लाले ले जाने का काम भी करते थे। कौन? संदेश वाहक के जरिए। एक तो प्राचीन काल में कबूतर द्वारा संदेश दिया जाता था, दूसरा संदेश वाहकों के द्वारा संदेश दिया जाता था। आज आगे देखो बच्चों, आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी। ये हो गया प्राचीन काल में कबूतर द्वारा संदेश वाहक द्वारा संदेश भेजने का काम करते थे, प्राचीन काल में हो गया। अब आधुनिक काल में, जैसे मैंने बताया तीन भागों में इतिहास को बांटा गया है, तो प्राचीन काल हो गया। अब आधुनिक काल में कैसे संदेश भेजे जा रहे हैं? आज यानी अब समय में, अब के समय में समाचार पहुंचाने के साधन, प्रश्न है आपको आज के जमाने में, यानी आज यहां पर प्रश्न आपको क्या दिया गया है? प्रश्न है, समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से है? समाचार पहुंचाने के नवीन या नए तरीके के साधन कौन कौन से है, बोले तो आपको लिखने आना चाहिए। समाचार पहुंचाने के नवीन साधन रेडियो है, टेलीफोन है, दूरदर्शन है, दूरदर्शन का मतलब टीवी, दूरदर्शन और कंप्यूटर, ये सब नवीन साधन है जो आज प्रस्तुत, आज हम इसके जरिए हम किसी को कुछ भी संदेश देकर सुन सकते हैं, भेज सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे साधन कब के हैं? आज के। प्राचीन काल में कबूतर संदेश वाहक संदेश भेजते थे, आज के समय में रेडियो है, टेलीफोन है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है। तो कैसे इससे फर्क कैसे होता है, मैं थोड़ा बताता हूं। रेडियो, जब जब रेडियो का आविष्कार हुआ था शुरू शुरू में, तो बहुत से लोग रेडियो में न्यूज सुना करते थे। किसी एक जगह पर रिकॉर्डिंग हुआ तो पूरे देश विश्व में रेडियो द्वारा उस व्यक्ति को, ध्वनि द्वारा उसके संदेशों को सुना जाता था। एक व्यक्ति बात कर रहा है तो उसके बातों को रेडियो द्वारा दूसरे देश, सभी देश में रेडियो द्वारा संचारित किया जाता था उसके ध्वनि सुनने के लिए। एक शहर में, एक गांव में एक रेडियो रहा तो सारे लोग उस रेडियो से न्यूज सुनने का काम करते थे। जब आजादी के पहले की बात, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब लोग समाचार पत्र तो साधन था ही था, उसके साथ साथ रेडियो से भी समाचार सुनते थे कि आज मौसम कैसा है, बारिश होने वाला है नहीं होने वाला है, या और क्या कुछ घटनाएं होने वाली है, देश में क्या क्या घटनाएं हो रही है, राज्य में क्या क्या घटनाएं, और उसका सब समाचार के जरिए, रेडियो के जरिए सिर्फ हम उसे सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे, सुन सकते थे। रेडियो से हम सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन
टेलीफोन देखा होगा आपने, पुराने जमाने का टेलीफोन ऐसे रखकर उठाकर कान को लगा बात करने का, वो बहुत बड़ा टेलीफोन का महत्व था तब, आज के दिन में नहीं रहा वो महत्व। मोबाइल आने की वजह से टेलीफोन का महत्व कम हो गया है। पहले एक गांव में एक टेलीफोन रहता था तो लोग उसको जाकर उस पर बात करते थे, अपने सगे रिश्ते संबंधी को फोन आए तो उस पर बात कर कर अपना हाल चाल कुशल क्षेम मोबाइल के सॉरी क्षमा कीजिए टेलीफोन के जरिए पूछने का काम करते थे। जब टेलीफोन आया तो एक जगह से दूसरे जगह पर उस पर बात कर कर हमारा हाल चाल पूछने का काम टेलीफोन के जरिए किया जाता था। आते आते बाद में दूरदर्शन आया, दूरदर्शन टीवी, दूरदर्शन नहीं टेलीविजन आया, उस पर हम समाचार सुन भी सकते थे देख भी सकते थे। यहाँ पर सिर्फ सुन सकते हैं, यहाँ पर सुनना और बोलना दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समाचार में सुन भी सकते थे और देख भी सकते थे। समाचार के जरिए कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, उस टीवी के माध्यम से एक छोटे से, यहाँ पर चित्र में दिया है आपको, चित्र में दिया है, देखो पेज नंबर 42 पर रेडियो का चित्र दिया है, उसके बाद मोबाइल टेलीफोन का चित्र दिया है, उसके बाद कंप्यूटर का चित्र दिया है, टीवी का चित्र दिया है। उसके जरिए टीवी के जरिए दूरदर्शन के जरिए हम समाचार देख और सुन भी सकते थे। अब तो कंप्यूटर यानी इंटरनेट, कंप्यूटर का जमाना है, आज का युग कैसा युग है, कंप्यूटर युग है। आज छोटे से लेकर छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक इंटरनेट का असर या मोबाइल का असर हर एक व्यक्ति पर असर पड़ रहा है, तो उसके बिना जीवन अधूरा है। मोबाइल या इंटरनेट के बिना जीवन अधूरा बन गया है। आज एक जीवन का महत्वपूर्ण, जिस तरह हमें जीने के लिए खाना खाना जरूरी है जीने के लिए, उसी तरह मोबाइल भी यानी कंप्यूटर या इंटरनेट भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक बन गया है। देश को प्रगति की ओर ले जाने में यह बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। तो इसके जरिए से हम हर न्यूज को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ऐसे साधनों के जरिए से हम समाचार पत्र को देख सुन और भेज सकते हैं बोलकर यहाँ पर सब विस्तार से यहाँ पर बता रहे हैं। आगे देखेंगे बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर समाचार पत्र या समाचार पहुंचाने के प्राचीन काल के साधन क्या है, अब आधुनिक काल में कौन कौन से साधन हैं, इसके बारे में जान रहे थे हम। रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर, या आज के जमाने में समाचार पहुंचाने के नए नए साधन आ रहे हैं, तो ऐसे साधन के जरिए देश विदेश दुनिया के खबरों को हम घर बैठे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पेज नंबर 42 पर बच्चों, रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटना को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर समाचार पत्र अपने आत्मकथा में कह रहा है, अगर हम रेडियो को देखेंगे तो रेडियो के साथ हम समाचार सिर्फ सुन सकते हैं। रेडियो ऑन किया तो हम सिर्फ उसके जरिए से समाचार हो या मनोरंजन कार्यक्रम हो सिर्फ सुन सकते हैं, सुनकर ही उसका अनुभव कर सकते हैं। किसके जरिए बच्चों, रेडियो जरिए हम समाचार को सिर्फ सुन सकते हैं, सुनकर ही उसका अनुभव हम कर सकते हैं। किसके जरिए, रेडियो के जरिए। आगे देखो, रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। अब रेडियो हो गया, सिर्फ सुन सकते हैं। अब दूरदर्शन टीवी जो है उसके ऊपर हम समाचार को सुन सकते हैं, साथ साथ उसमें क्या हो रहा है उस घटना को देख भी सकते हैं। जैसे न्यूज चल रहा है, न्यूज में समझे किसी जगह पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है, तो उस जगह को ले जाकर उस कार्यक्रम को बताने का भी काम उस घटना को प्रत्यक्ष हमारे सामने बताने का काम भी दूरदर्शन करता है। रेडियो से सिर्फ सुन सकते हैं, सुनकर ही हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन के द्वारा हम सुन भी सकते हैं समाचार को और देख भी सकते हैं प्रत्यक्ष वहां पर क्या क्या घटनाएं हो रहे उसको। दूरदर्शन के जरिए हम देख और सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो के जरिए हम सिर्फ सुन सकते हैं बोलकर यहाँ पर समाचार पत्र अपने आत्मकथा में कह रहा है। आगे देखो, लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितवे साधन हूं, लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूं।
इन दोनों से भी अच्छा साधन कौन सा है? रेडियो से भी और दूरदर्शन से भी अच्छा साधन कौन सा है? समाचार पत्र है। वो कैसे है? यहाँ पर बता रहे हो, अब एक रेडियो खरीदने जाओ 4-5 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे, एक दूर से टीवी लेने जाओ 20-25 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन समाचार पत्र खरीदी करने में कोई हमें ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 रुपए में अगर हम समाचार पत्र खरीदी कर सकते हैं तो 25 हजार की टीवी नहीं ले सकते। 5 रुपए में हम समाचार पत्र खर्च करते हैं तो 5 हजार का रेडियो हम नहीं ले सकते। तो एक सस्ता साधन है, मितव्यय साधन है, इसे क्या कहा गया है? मितव्यय साधन हूं, समाचार पत्र बोल रहे। लेकिन इन सभी में से, कंप्यूटर में से, रेडियो में से, टेलीफोन से, ये दूरदर्शन से, इन सभी से भी मैं सस्ता और सुलभ साधन हूं। आप समझो, रेडियो में चार्ज नहीं है तो समाचार नहीं सुन सकते, टेलीफोन का कलेक्शन नहीं है तो बात नहीं कर सकते, दूरदर्शन को भी लाइट चला गया तो हम देख नहीं सकते, कंप्यूटर को भी चार्ज नहीं है तो हम नहीं देख सकते। लेकिन कुछ हो या ना हो, लेकिन हम समाचार पत्र 5 रुपए में दिन में ऐसे 10 बार भी पढ़ सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। एक बार 5 रुपए लेकर खरीदे करेंगे तो दिन में ऐसे बार बार हम समाचार पढ़ सकते हैं, उसे कोई करंट की जरूरत नहीं है, उसे कोई चार्ज की जरूरत नहीं है। तो समाचार, हर तरह का समाचार, हर तरीके का समाचार हम सस्ते में, सुलभ में, मितव्य साधन के साथ हम इसे पढ़ सकते हैं। लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूं, जो रेडियो नहीं पहुंचा सकता, टेलीफोन नहीं पहुंचा सकता, दूरदर्शन नहीं पहुंचा सकता और कंप्यूटर नहीं पहुंचा जा सकता, उन सभी से भी ज्यादा ये खर्चे वाले है, ये खर्चे वाले साधन से मैं सस्ता साधन, सुलभ साधन, मितव्य यानी कम खर्च वाला, 5 रुपए में ही मैं सभी को दुनिया के, विश्व के, देश के, राज्य के, जिले के, यहाँ तक कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उन सभी का समाचार मैं घर बैठे इन लोगों को दे सकता हूँ। इस प्रकार आप समाचार पत्र अपने आत्मकथा में, इनसे मैं बेहतर हूँ तो मैं सुलभ और सस्ता साधन हूँ, गरीबों को भी मिल सकता हूँ, अमीरों को भी मिल सकता हूँ, सबके लिए मैं समान रूप से समाचार, संदेश, ज्ञान देने का काम कर रहा हूँ, बोलकर यहाँ पर समाचार पत्र अपने आप को अपने आत्मकथा में कह रहा है बच्चों। और आज के इस भाग में हमने क्या क्या जाना, यह प्रस्तुत बताना चाहता हूँ। भाग एक में हमने समाचार पत्र के पाठ का आशय जान लिए, फिर बाद में समाचार पत्र पाठ के कठिन शब्दार्थों को जान लिया। उसके बाद पाठ में हमने जान लिया कि समाचार पत्र का परिचय किस प्रकार से हुआ, प्राचीन काल में किस प्रकार से समाचार भेजे जाते थे, आज के जमाने में किस तरह से संदेशों को भेजा जाता है। आपको इस इतने भाग एक में आपको 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। प्राचीन काल में समाचार पत्र, समाचार को कैसे भेजा जा सकता था, बोले तो उत्तर है, प्राचीन काल में समाचारों को संदेश द्वारा या कबूतर के द्वारा भेजा जाता है, बोलकर लिख दिया से। और आज के जमाने के समाचार पहुंचाने के नवीन नवीन साधन कौन कौन से है, बोलकर पूछने पर आज के जमाने के नवीन साधन है रेडियो, कंप्यूटर, टेलीफोन, दूरदर्शन इत्यादि, ये सबसे बेहतर समाचार पत्र है। तो इस प्रकार से भाग एक समाचार पत्र की आत्मकथा, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे बेझिझक फोन कर पूछ सकते हैं। फिर अगली कक्षा में भाग 2 में हम समाचार पत्र को समाप्त करेंगे। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।